हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिंपल ड्रेस मटेरियल से ये ब्यूटीफुल लाइनिंग वाला काफ्तान बनाने बताऊंगी, जिसे मैंने एक सर्कुलर प्लाजो के साथ पेयर किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास कमीज के लिए ऑर्गेंजा फैब्रिक है, सलवार के लिए फैब्रिक और दुपट्टा और लाइनिंग का फैब्रिक लिया हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डोली एंड वेलकम यू इन डोली डिज़ाइन स्टूडियो। आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। एक्चुअली मैंने यहाँ पर क्या किया है कि मुझे एक पार्टी में जाना था, तो मैंने इस ड्रेस मटेरियल से पहले काफ्तान कुर्ती बनाई है और उसे सर्कुलर प्लाजो के साथ पेयर किया है, और इसके बाद उसी काफ्तान कुर्ती से मैंने लाइनिंग वाली कुर्ती बनाई है जिसे सर्कुलर प्लाजो के साथ पेयर किया है। ये वीडियो आपको 3 पार्ट्स में मिलेगी, एक में काफ्तान कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग, दूसरे में सर्कुलर प्लाजो की, और थर्ड में काफ्तान कुर्ती से मैं लाइनिंग वाली कुर्ती कैसे बनाती हूँ उसका पार्ट मिलेगा। उन सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें सबसे पहले जो फ्रंट में पल्लू वाला पार्ट है, वहाँ पर लेस लगी हुई थी, मैंने उस लेस को निकाल, फिर शर्ट के फ्रंट और बैक पार्ट को अलग किया, और फिर फाइनल कटिंग करने से पहले पूरी कमीज को अच्छे से आयरन करके सेट कर दिया। लाइनिंग वाला काफ्तान बनाने के लिए मैंने 2.5 मीटर लाइनिंग का फैब्रिक लिया था। यहाँ पर 2 मीटर फैब्रिक से भी काम हो जाएगा। ये लाइनिंग वाला फैब्रिक हम लेंथ के अकॉर्डिंग लेते हैं। यहाँ पर मैंने लाइनिंग को 2 पार्ट्स में कट कर लिया है और दोनों लाइनिंग्स को ब्रेथ वाइज फोल्ड करके एक दूसरे के ऊपर रख दिया है। अभी मैं इन दोनों लाइनिंग्स को अच्छे से सेट कर लूँगी और इस पर सिंपल कुर्ती का मार्किंग कर लूँगी। यहाँ पर सबसे पहले हम शोल्डर का हाफ लेंगे और उसके बाद नीचे की तरफ अराउंड द शोल्डर कंधे का नाप लेंगे। जितना हमने शोल्डर लेंथ का हाफ लिया होता है उतना ही हमें बैक पार्ट के लिए बैक रखनी होती है, और उससे 2 इंच कम हमने फ्रंट पार्ट रखना होता है। तो यहाँ पर मैंने 7.5 हाफ शोल्डर का हाफ लिया है और बैक के लिए भी मैंने 7.5 इंच रखा है, और उससे 2 इंच कम मैंने फ्रंट का रखा है। अभी इन पॉइंट्स को शोल्डर से मिला के हम फ्रंट और बैक शोल्डर की कर्व में निशान लगा लेंगे। यहाँ पर हमने ब्रेस्ट का 4th पार्ट भी लिया हुआ है। यहाँ पर इन कर्व्स को हम ब्रेस्ट वाले पॉइंट से मिलाएंगे, फिर उसके बाद हम बेस्ट का और हिप का निशान लगाएंगे और इन सभी पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। यहाँ पर हिप वाले पॉइंट से पल्लू वाले पॉइंट पर भी हम ए शेप में मार्किंग करेंगे और स्टिच लगाएंगे। लाइनिंग को मार्किंग करने के बाद अब हम लाइनिंग की कटिंग कर लेंगे। इसके लिए हम बैक वाले पार्ट को अपने लाइनिंग वाले काफ्तान का बैक नेक में ज़्यादा डीप नहीं रखूँगी, तो उसके लिए मैं 4 इंच डीप पर निशान लगा के बैक वाले नेक की कटिंग कर लूँगी। फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने बैक वाले पार्ट को अलग कर लिया है। अभी मैं फ्रंट वाले आर्म होल की शेप दे लूँगी और उसके बाद मैं जो मार्किंग लगी हुई है फ्रंट पार्ट की, उन्हें फ्रंट पार्ट के दोनों तरफ लगा लूँगी। मेरे ड्रेस मटेरियल के फ्रंट पार्ट पर नेक डिज़ाइन है जो कि एम्ब्रॉयडरी और स्टोन वर्क हुआ है। अगर ये नेक डिज़ाइन नहीं बना होता तो हम फ्रंट और बैक को साथ में लाइनिंग लगा सकते थे और जोड़ सकते थे। अभी मैंने यहाँ पर फ्रंट और बैक के लोअर पल्लू वाले पार्ट पर सिलाई देके फिनिशिंग कर लेनी है और आर्म होल के चारों पार्ट्स पर भी हल्की सी सिलाई देके फिनिशिंग के साथ बंद कर लेना है। यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि मैंने फ्रंट वाले पार्ट को फ्रंट वाली लाइनिंग पर अच्छे से सेट करके रख लिया है, और जितना मुझे नेक रखना है उसके हिसाब से नेक को एडजस्ट कर लिया है और नेक को लाइनिंग के साथ पिनअप कर दिया है, और इससे हम नेक को सिलाई अच्छे से लगा सकते हैं।
अच्छे से पिन अप करने के बाद लाइनिंग वाले फैब्रिक को मैंने कट कर लिया है और फिर उसका जो छोटे छोटे कट्स लगा के अंदर की तरफ फोल्ड लगा के उसको सिलाई तब लगाई है। यहाँ पर आप फ्रंट पार्ट के दोनों तरफ देख सकते हैं कि मैंने अच्छे से फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा के नेक को फिनिशिंग दी है। इसी तरह हम बैक वाले पार्ट की लाइनिंग को भी बैक वाले पार्ट पर एडजस्ट करके रख लेंगे और सिलाई लगा के फिर उसके बाद कटिंग करके छोटे छोटे कट्स लगा के लाइनिंग को दूसरी तरफ उल्टा कर लेंगे। इस तरह हमने फ्रंट का नेक और बैक का नेक बहुत ही फिनिशिंग के साथ बना लिए हैं। अभी हम फ्रंट और बैक के शोल्डर वाले पार्ट्स को आपस में ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पर अगर अब हम चाहें तो फ्रंट और बैक को ज्वाइन करने के साथ साथ इस पर कोई डिज़ाइन भी बना सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर कोई भी डिज़ाइन नहीं बनाया है। यहाँ पर हम मेन काफ्तान कुर्ती के फैब्रिक को अंदर की तरफ करके लाइनिंग को स्टिच कर लेंगे। यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि लाइनिंग के दोनों साइड में स्टिच करने के बाद हम अंदर की तरफ छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे और फिर काफ्तान कुर्ती को सीधा कर लेंगे। काफ्तान कुर्ती की लाइनिंग को अंदर से सिलने के बाद हम इसको सीधा करके अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। यहाँ पर हम काफ्तान कुर्ती की बाहर की साइड में सिलाई लगाएंगे, तो उसके लिए हम कुर्ती को अच्छे से पिनअप कर लेंगे और ताकि ये फैब्रिक हिले ना, तो इसके लिए हम इसको पिनअप कर लेंगे। यहाँ पर मैं अब लाइनिंग के दोनों साइड में मार्किंग करके यहाँ पर काफ्तान की सिलाई लगा लूँगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने दोनों तरफ सिलाई लगा ली है। काफ्तान में फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद मुझे काफ्तान को चारों तरफ से भी फोल्ड कर लेना है। इस काफ्तान को फिर मैं सर्कुलर प्लाजो के साथ पेयर करूँगी।